हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन से। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। जो लोग पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, जो लोग पहले से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा कि हमने पहले रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन भी डिस्कस किया था। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप आराम से रैंडमली वीडियो ना देखिए, आराम से शुरुआत से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। तो आप उनको तो पता ही है, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता ही है कि बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोस। और जो लोग नए आए हैं मेहमान के तरह, उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप रेगुलरली इस वीडियोस को देखने लगेंगे ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिजिक्स में, खास करके बायो तो है ही। आप तो बायो भी है अपलोडेड, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो बायो को भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड। अच्छा, और फिजिक्स का जो है वो आपके जो कॉन्फिडेंस है ना, जो लोग डरते हैं फिजिक्स से, साल के आखिर तक यानी नीट के पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा और आप खुशी खुशी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और खुद प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का पहला टॉपिक क्वेश्चन रहेगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, If two objects P and Q, अगर दो ऑब्जेक्ट्स P and Q मूव इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक P और ये Q अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? ये भाई साहब इस तरफ जा रहे थे, वो उस तरफ आ रहे थे, तो सोचा कि भाई मुलाकात होगा ही नहीं, जब आमने सामने टक्कर होगा, ठीक है, टक्कर और आमने सामने मिलेंगे तब बात कर लेंगे। लेकिन जब आमने सामने आए तो वो पुश करके निकल गई, निकल गया, क्योंकि ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। आपको अंदाजा होगा कि हम जो किसी चीज को दूर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी इस तरफ आ रहा है, आप इस तरफ जा रहे हो, किसी गाड़ी इस तरफ आ रहा है, तो जब ये इस तरफ जाता है, इस तरफ जब एक ही पॉइंट पे आप मीट करते हैं ना, तो रिलेटिवली आपके नजर में लगता है कि बहुत स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी यही फैक्ट हुआ, यही फेनोमेनन हुआ। तो अब ये बंदा गा रहा है कि जा रहे हो दूर लेकिन याद तुम रखना, ख्वाब तो तुम्हें भी तुम्हारा नाम ना लूंगा। क्या करे, ये गाना गा रहा है। अब इसको भी आगे बढ़ना जरूरी है, इसको भी आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए ठीक है, इन सब बातों से ध्यान हटाइए, फिजिक्स में ध्यान दीजिए, काम आएगा आपका। तो बात यहां था कि P इस तरफ जा रहा है, Q इस तरफ आ रहा है, पैरेलल लाइन है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए नीचे लग गया हूं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालना है P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है, पहला पी बात, उसके बाद क्यू, पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू होगा। हाँ, अब वेलोसिटी ऑफ क्यू ये कितना, ये जो वेलोसिटी है इसका ऑपोजिट है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, डायरेक्शन उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी क्यू। तो ये कितना होगा, BP प्लस BQ। इसीलिए जब आमने सामने तो पुश हो करके निकल जाते हैं, क्योंकि रिलेटिवली वेलोसिटी दोनों के ऐड होने के बाद जो होता है वो होता है, बहुत बढ़ जाता है, रिलेटिवली वेलोसिटी बढ़ जाता है, इसलिए जाना ही पड़ता है। क्या करें, संसार का नियम है, इसलिए आप आराम से दूरी बना के रखिए, ठीक है, और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बीपी प्लस बी क्यू, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, बसेस ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 20 आई कैप मीटर पर सेकंड एंड 15 आई कैप मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, velocity of A is equal to 20 I meter per second और velocity of B is equal to कितना, 15 I meter
पर सेकंड। ठीक है नहीं? ठीक है ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए कितना, 20 माइनस ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो इसका क्या होगा, 20 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम ये है, यहाँ 5 एक जे है, ये आई है, तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, सिंस यहाँ पे आई आई दे रखा हुआ था, तो ये कितना होगा, समझाने के लिए और लिख लेता हूँ, आई माइनस 15 आई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, बस। अच्छा, अब नदी की बात आ रहा है। अ स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of a swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? चलिए पहले नदी बना लेते हैं, फिर जाके बात करेंगे। ये मान लीजिए हमारा नदी है, बजट कम है, तो कंक्रीट से तो बना नहीं सकता, वो पुल वुल ये सब दिखा नहीं सकता, तो नदी ऐसे ही दो लाइन से बना ली हमने नदी। तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ए पे, तो हमें क्या करना, स्ट्रेट में क्रॉस करना है, मतलब यहां से यहां पहुंचना है इसको, यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां तक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पहुंचना है। स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं? अच्छा चलो हो जाएगा, तो हो गया। अब क्या कर रहा है ये, जो क्या है, रिवर, रिवर कितना 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बह रहा है। तो अगर स्विमर इस तरफ पहला शुरू करे तो क्या होगा, पानी धक्का देगा धक्का देगा धक्का देगा, और ये बंदा यहां जाने के बजाय यहां चला जाएगा, इसके लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर इसको पैदल आना पड़ेगा यहां से यहां तक। तो ये चालाक बंदा निकला, हमारा हीरो चालाक है, तो इसने क्या किया, इसने इस तरफ तैरना शुरू किया, ये तो यहां से यहां तक पहुंच ही जाएगा, और पानी धक्का दे दे के यहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। हमें यहां से निकालना है कि ये वाला एंगल, टोटल एंगल कितना है, ये वाला 90 है, ये वाला थीटा है, तो मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं, तो मान लीजिए अल्फा है, तो हम अल्फा को मान लेते हैं 90 प्लस थीटा, तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला कितना कितना दे रखा हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला रिवर कितना स्पीड से जा रहा है, रिवर ये वाला बी आर इज इक्वल कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं साइन थीटा, आराम से लिख लेते हैं साइन साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर यहां से थीटा है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका जो नीचे वाला होगा इसके साथ एंगल के साथ जो होगा ये बेस, और ये दोनों को जो जुड़ रहा है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 2, हाइपोटेन्यूज कितना, 4, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से कट गया ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 30, ये डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है नहीं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. एक बंदा जो 30 डिग्री एंगल पे एक छाता पकड़ के रखा हुआ है ताकि उसको बारिश ना लगे, बारिश को बारिश को ना भीगे। अरे भीगना भी चाहिए, मजा भी लेना चाहिए, क्या करे बंदा छाता लेके बैठा हुआ है, ये सॉल्व भी करना है। He throws his umbrella and starts running at 10 किलोमीटर पर। अब इसको आपका ठिकाने पे आया, आप सोचा कि भाई थोड़ा मजा कर ही लेते, छाता को छोड़ा
फेंक दिया और भागना शुरू किया। कितना स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भागना शुरू किया। ठीक है, ये हुई ना बात। He finds that raindrops are hitting his head particle. अब भागना शुरू किया, कुछ खो दिए तो कुछ पाना तो पड़ेगा ही, तो अब बारिश पहले नहीं लग रहा था, उसका सिर पे डायरेक्ट हिट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट हिट कर रहा है। ठीक है, He finds that raindrops are hitting his head vertically. The actual speed of raindrops is. अब हमें क्या निकालना है? Raindrops का जो actual speed है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए velocity of rain with respect to man कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। BRM मतलब velocity of rain with respect to man। ठीक है, ये बना लिया हमने velocity of man with respect to ground कितना? velocity of ये कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर man with respect to ground। ये velocity of rain with respect to man, ये 10 किलोमीटर पर आवर नहीं दे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा? ये तो resultant हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? velocity of rain with respect to ग्राउंड एक्चुअल। ठीक है, ये कितना है? ये 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? नीचे वाला 10, ये वाला 10 हो जाएगा ना, 10 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। और वैसे भी हमें इससे कोई लेना देना है भी नहीं, क्योंकि हम जब एंगल से ट्राइंगल से निकालेंगे ना, तो हम ये भी पता है और हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, एंगल पता है तो हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, साइन 30 लगा देते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना? 10। और हमें क्या निकालना है? बीआरजी, बीआरजी। तो ये इस तरफ आ जाएगा, बीआरजी इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 30। तो साइन 30 क्या है? 10 अपॉन 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका आंसर। तो ये कौन सा? ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, फिर से समझा देता हूं। ठीक है, आप बोल रहे हैं, फिर से समझा देता हूं। ये बंदा भागना शुरू किया, छाता के बारे में तो पता है आपको, भागना शुरू किया। तो ये क्या हो गया? रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेलोलो हमें नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, ये हम जैसे हैं वैसे छोड़ दिए। अब क्या बोला? मैन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा है कितना? मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल रेन का जो स्पीड है ये देगा हमें ये वाला। और एंगल तो पता ही है हमें, 30 डिग्री एंगल बना रहा था यहाँ पे पार्टिकल के साथ। ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना लिया। अब हमने क्या किया, ये हमें ये वाला निकालना है, ये वाला हमें पता है, तो इन दोनों से क्या एंगल निकालता है? साइन 30, साइन 30 मतलब साइन थीटा, थीटा के बराबर 30 है, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या? ये वाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको यहाँ ने कर दिए और इसको यहाँ नीचे लेके आ गए, तो क्या होंगे? बी आर जी इज इक्वल टू 10 अपॉन 30, 10 अपॉन 1/2, 30 का वैल्यू कितना? 1/2। तो ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल स्पीड था, और ये बंदा दौड़ रहा था तो इसको कितना लगा? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से दौड़ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली सर पे लगा था बारिश का बूंदे। तो खत्म यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। आंसर कौन सा आया? 20 किलोमीटर पर आवर।